अपोजिशन लीडर पी चिदंबरम ने इल्जाम लगाया कि मुसलमानों के बाद अब हिंदुत्व ब्रिगेड का निशाना ईसाई मिशनरी ऑफ चैरिटी रजिस्ट्रेशन के रिन्यू से हुकूमत के इनकार का हवाला देते हुए कही बात। चिदंबरम ने यह भी दावा किया कि मीडिया ने चैरिटी से जुड़ी वजारती दाखिला की कार्रवाई को अपने सफहात से हटा दिया और कहा कि ये वाकई अफसोसनाक और शर्मनाक है। पुणे पुलिस ने संत कालीचरण और 5 दीगर के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने पर किया मुकदमा दर्ज। हुकाम ने बताया कि आईपीसी के दफा 295 के तहत खड़क पुलिस स्टेशन में किया गया मुकदमा। तमाम मुलजिमान ने मुसलमानों और ईसाइयों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और फसाद फैलाने के इरादे से तकरीरें की। मुकदमे के लिए पुलिस ने खुद से लिया नोटिस। असदुद्दीन ओवैसी ने ताजुर से 200 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त किए जाने पर पीएम मोदी से पूछा कि नोटबंदी के बावजूद उन्हें 200 करोड़ रुपए नकद कैसे मिले। ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम बताएं कि नोटबंदी के बावजूद एक ताजुर के घर पर इतने रुपए कैसे आए। पीएम मोदी को ये मान लेना चाहिए कि उनकी दिमागी पैदावार नोटबंदी मुकम्मल तौर पर नाकाम, सिर्फ छोटी सनातों और मुलाजमतें हुई तबाह। पंजाब में 2022 के इंतखाबात से पहले सिद्धू ने एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलात बढ़ाई। अपनी ही पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर करे अपनी राय जाहिर। सिद्धू ने तंज करते हुए पूछा कि दुल्हे के बगैर बारात कैसी। गुज़िश्ता दिनों के हंगामों का जिक्र करते हुए कहा कि बहरान से बचने के लिए एक सही वजीर आजम था जरूरी। कोलकाता म्युनिसिपल इलेक्शन में टीएमसी की बड़ी कामयाबी के बाद अब चंडीगढ़ में भी बीजेपी को खानी पड़ी मुक्की। लेफ्टिनेंट गवर्नर जाफरानी 2 मर्तबा रुकने पार्लियामेंट बीजेपी और मेयर भी कमलधारी, तो बीजेपी की शिकस्त गैर मामूली। इससे पहले 26 वार्ड में से 21 पर बीजेपी कामयाबी की शरह 41% थी। इस बार बीजेपी को 35 में से सिर्फ 12 पर कामयाबी, शरह फीसद सिर्फ 34 पर आ गई। मुल्क में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के दरमियान उत्तर प्रदेश की अपोजिशन जमातें वक्त पर कराना चाहती हैं इलेक्शन। सपा, बसपा और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मुकर्रा मुद्दत के अंदर इंतखाबात मुकम्मल कराए जाने की दरख्वास्त। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने लखनऊ में अपने दौरे का आगाज सियासी जमातों के साथ मीटिंग करके किया। मीटिंग में मौजूद पार्टियों ने एक आवाज में कहा कि इंतखाबात वक्त पर ही कराए जाएं। मणिपुर के दारुल हुकूमत अम्फाल के तेलीपट्टी इलाके में जबरदस्त आईईडी धमाका। पुलिस ने बताया कि धमाके में किसी शख्स के जख्मी या हलाक होने की कोई रिपोर्ट नहीं। धमाका सुबह करीब 3 बजे एक गोदाम के नजदीक हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके का घेराव करके मामले की जांच कर दी शुरू। मालेगांव ब्लास्ट मामले में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को बताया इसका जिम्मेदार। कांग्रेस लीडर नसीम खान ने उसे योगी और बीजेपी का चुनावी स्टंट करार देते हुए की सख्त तनकीद और कहा कि सच्चाई ये है कि यूपी से योगी जी और बीजेपी की हवा उखड़ चुकी। अपनी यकीनी शिकस्त से बचने के लिए रिवायत के मुताबिक हिंदू मुस्लिम सियासत करने की कर रहे हैं कोशिश। लुधियाना कोर्ट धमाका केस में एक बड़ी कामयाबी लगी हाथ। धमाका करने वाला मुलजिम जसवंत सिंह मुल्तानी को जर्मनी में कर लिया गया गिरफ्तार। हिंदुस्तान की गुजारिश पर जर्मनी के पुलिस ने जसविंदर सिंह मुल्तानी को किया था गिरफ्तार। जसविंदर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कर रहा था काम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काफिले में चलने वाली नई मर्सिडीज मैबिक किसी मजबूत किले से कम नहीं। मिस्टर मोदी के काफिले में 12 करोड़ रुपए की मर्सिडीज कार को था देखा गया। रूस के सदर पुतिन जब हिंदुस्तान के दौरे पर थे तो मिस्टर मोदी ने हैदराबाद हाउस में किया था उनका इस्तकबाल। उस वक्त उन दो लीडरों के अलावा लोगों के लिए ये कार भी थी तवज्जो का मरकज़।